तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट 21,500 को एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। ये देखिए, ये दिन भर मार्केट उसी रेंज में ट्रेड होता रहा है। एक गिरावट के बाद 21,700 के बाद एक हेवी फॉल देखने को मिला 148 पॉइंट का, और फिर ये गिरावट उसी तौर पर जारी रहा। 21,517 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। निफ्टी में नेक्स्ट 50 53,680 पे बंद हुआ, 402 पॉइंट बढ़ के। मिड कैप 10,380 पे बंद हुआ है, 20 पॉइंट बढ़ के। निफ्टी बैंक 56 पॉइंट गिर के बंद हुआ है 47,704 पे, और निफ्टी फाइनेंशियल 21,256 पे बंद हुआ है 89 पॉइंट गिर के। बढ़ने वाले दिग्गज थे बजाज ऑटो, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, सिप्ला, आईटीसी जैसे दिग्गज थे जो 2 से 5% तक बढ़े, जो मार्केट को सपोर्ट दिया, नहीं तो मार्केट और ज़्यादा गिर सकता था। वहीं हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एलएनटी माइंडट्री, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज 3 से 4% तक गिरे भी। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसा ट्रेड सेटअप बैठता है, सब बिंदु पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए, गिफ्ट निफ्टी से 23 पॉइंट ऊपर खुलने की उम्मीद है। 21,603 पे ट्रेड हो रहा है गिफ्ट निफ्टी। वहीं अमेरिकन मार्केट का हाल बुरा है। डॉ जोन्स 248 पॉइंट का गिरावट है, S&P में 30 पॉइंट का, नेस्डेक में 132 पॉइंट का गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। 37,486 पे डॉ जोन्स, S&P 4,712 पे और नेस्डेक 14,633 पे ट्रेड हो रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 10:19 पे रात में। तो ऐसे में क्या होनी चाहिए अपन की रणनीति, आइए समझते हैं। ये देखिए, निफ्टी ने तीन ट्रेंड को हम फॉलो कर रहा है। यह है 21,517 का। अब 21,517 क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 4 बार ऐसे हुआ है, इनफैक्ट 5 बार जब ये रेसिस्टेंस का काम किया है, फिर सपोर्ट यहाँ पे 2 बार काम किया है सपोर्ट का। तो आज का जो लो है 21,517, इसलिए यहाँ पे टिक पाया है, क्योंकि यहाँ निफ्टी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है। अगर कल के दिन में ये 21,517 को सपोर्ट को नहीं टिक पाता है, तो फिर नेक्स्ट गिरावट 21,370 और फिर 21,225 का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या होनी चाहिए रणनीति, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो क्या करना है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, आज का जो हाई था 21,660, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अगर 21,700 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो क्या करना है। 21,700 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर लो टूट, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का हाई टूट, लो टूटता है, तो सेल का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ देखिए, 4 ट्रेडिंग सेशन से रेड कैंडल बन रहा है, फिर भी मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में क्यों है, क्योंकि 21,500 को ये रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 21,500 के नीचे और पहला 15 कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तो बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर लो बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, तो क्या करना है। फ्लैट कहाँ पे होगी, 21,600 पे अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, पहला 15 कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। अगर रेड कैंडल बनता है 21,600 खुल के, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। तो ये सिंपल है। लेकिन
अगर 21,500 को मार्केट तोड़ देता है तो एक बड़ा गिरावट देखने को हमें मार्केट में मिल सकता है। ऊपर की ओर तेजी तभी आएगी जब 21,800 के ऊपर मार्केट निकलता है। तो 21,500 एक लक्ष्मण रेखा है, ये टूटता है तो सेलिंग आ सकती है। 21,800 ऊपर का लेवल है, अगर ये टूटता है तो 22,000 और 22,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी को समझते हैं फटाफट। ये देखिए, यहाँ भी चार ट्रेडिंग सेशन से रेड कैंडल ही बन रहा है। तो नेक्स्ट जो ट्रेड लाइन इसका दिख रहा है 46,898, यानी अगर मार्केट गिरता है तो 47,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी 47,400 पे ट्रेड हो रहा है। ऊपर का लेवल अगर 48,000 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें ऊपरी लेवल पे एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। क्या करना है अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो? गैप अप कहाँ पे होगी? अगर 48,000 पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है, पहला 15 कैंडल देखेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। तो मार्केट अभी क्लियरली एक दो तीन ट्रेडिंग सेशंस में अभी क्लियरली पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है सेल ऑन राइज का रणनीति पे मार्केट काम कर रहा है। सेल ऑन राइज का मार्केट अप होती है, सेलिंग आ जाता है। तो 48,000 लेवल पे आपको सेल करके चलना है। रेड कैंडल लोड कैंडल बनता है, उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से आपको कंट्रोल करना है। क्या होगा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है? गैप डाउन कहाँ पे होगी? 47,700 पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहला 15 कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, सेल बाय का प्लानिंग करेंगे। अगर लो रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट कारोबार ओपन करती है तो क्या करना है? 47,700 पे मान के चलिए, 47,800 पे अगर गैप अप अपनी फ्लैट ओपन होती है, पहला 15 कैंडल वॉच करेंगे, अगर हाई टूटता है ग्रीन तो बाय का प्लानिंग, और अगर लो रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरऑल व्यू। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।